मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। रिश्वतखोरी से करोड़ों की कमाई करने वाले सरकारी अधिकारियों में हड़कंप मचा है। इंदौर में ऐसे ही एक पटवारी के पास बेहिसाब संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। वहीं देवास में तो सरकारी बाबू रिश्वत लेते ही पकड़े गए। लोकायुक्त पुलिस नीमच, ग्वालियर से लेकर भिंड तक लगातार काली कमाई के धन कुबेरों पर रेड मार रही है। पैंतीस हजार की सैलरी वाले का आलीशान बंगला, घर में लाखों की नकदी, सोने चांदी के गहनों का ढेर, बैंक खाते और जमीन जायदाद बेहिसाब, यह है इंदौर के पटवारी की काली कमाई का हिसाब। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने जब पटवारी जाकिर हुसैन के घर पर छापा मारा तो सभी दंग रह गए। एक के बाद एक जैसे जैसे पटवारी के काले कारनामे सामने आने लगे तो आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच गया। महीने की 35,000 सैलरी उठाने वाले पटवारी के पास बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ। पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति जमा करने की शिकायत मिली थी। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी के श्रीनगर एक्सटेंशन वाले घर पर छापा मारा। पटवारी के रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। कुल 6 ठिकानों पर पुलिस ने रेड मारी। जाकिर हुसैन के घर से 5,00,000 नकदी, सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए। जाकिर हुसैन के 2 प्लॉट, आवासीय टाउनशिप में 3,000 वर्ग फुट के बंगले का भी पता चला। इसके अलावा पटवारी के पास एक दुकान और 2 गाड़ियों का भी खुलासा हुआ है। जाकिर हुसैन की ये संपत्तियां इंदौर, उज्जैन और शाजापुर जिलों में हैं। सिर्फ 13 साल में पटवारी जाकिर हुसैन ने बेशुमार दौलत और संपत्ति इकट्ठी कर ली। जाकिर हुसैन को पटवारी की सरकारी नौकरी 2005 में मिली थी। छापे में पुलिस को पटवारी और उसके नजदीकी रिश्तेदारों के करीब 20 बैंक खातों की भी जानकारी मिली है, जिनमें बड़ी रकम जमा होने का शक है। बैंक अधिकारियों से इन खातों के लेन देन पर रोक लगाने को कहा गया है। लोकायुक्त पुलिस को शक है कि जाकिर हुसैन ने अपने मामा और बाकी रिश्तेदारों के नाम पर कुछ संपत्तियां खरीद रखी हैं, और ये सब कुछ काली कमाई को छुपाने के लिए किया गया। लोकायुक्त टीम पटवारी की बाकी प्रॉपर्टी और लॉकर की जानकारी जुटा रही है। लोकायुक्त की टीम ने दूसरी कार्रवाई की देवास में। यहाँ एक सरकारी बाबू को रिश्वत लेते पकड़ा गया। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के बाबू समित राय कवार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा गया।